आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले आप संधि से परिचित हो चुके हैं, अब अलंकार देखिए। अलंकार केवल अभी आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें कुछ चुने हुए ही अलंकार आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले शब्दालंकार पे आते हैं। शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले अलंकार का तात्पर्य क्या है? अलंकार का मतलब है आभूषण। अलंकार का तात्पर्य है आभूषण। आभूषण क्या करता है? सौंदर्य वृद्धि करता है। जैसे कोई स्त्री यदि आभूषण पहन लेती है तो उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। उसी तरह साहित्य में जब अलंकार का प्रयोग हम करते हैं तो उस पंक्तियों का, उस साहित्य का सौंदर्य बढ़ जाता है, द्विगुणित हो जाता है। तो अलंकार सौंदर्य वृद्धि में सहायक होता है, चाहे शब्दों के माध्यम से अथवा अर्थों के माध्यम से। यदि शब्द के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि है तो शब्दालंकार होगा, और यदि अर्थ के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है तो वो अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले आइए शब्दालंकार पे। शब्दालंकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले अनुप्रास। अनुप्रास सबसे आसान अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को समझने के लिए केवल आपको इतना जानना है कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो, किसी भी रचना में, किसी भी पंक्ति में, काव्य में, जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, आवृत्ति का तात्पर्य है कि कोई वर्ण जो है दो बार आए, चार बार आए, दस बार आए, हजार बार आए, चाहे जितनी बार आए, एक ही वर्ण जब कई बार आता है लगातार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाम। तरणी, तनुजा, तट, तमाम, तरुवर, बहु, छाये। अब देखिए क्या है, वर्णों की आवृत्ति है, ये वर्ण है, ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तरणी, तरुंजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये। ठीक, इस रचना में त वर्ण की आवृत्ति हुई है कितनी बार? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच बार त वर्ण आया है, लगातार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणे, चौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए वो भी अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। तो अनुप्रास में केवल आपको इतना ही समझना है कि जहां किसी भी रचना में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब आ जाइए अनुप्रास के बाद यमक। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है? जब किसी भी रचना में कोई शब्द, किसी भी रचना में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए इसमें ये शब्द है घटा और यहां पर है घटा, दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस घटा का तात्पर्य काली घटा, काला बादल, और इस घटा का मतलब कम होना। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है और दो बार।
ये शब्द आया हुआ है, इसलिए काली घटा का घमंड घटा तात्पर्य हो गया कि काले बादल का घमंड कम हो गया। ये यमक अलंकार का उदाहरण है, यहाँ एक शब्द है लेकिन दो बार आया। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक शब्द दो बार आए, दो ही बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, दस बार, चाहे जितनी बार आए, लेकिन जितनी बार वो आएगा हर जगह उसी शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, तब यमक अलंकार माना जाएगा। तो यमक अलंकार में क्या हो गया, शब्द कोई भी किसी भी काव्य में जब दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। अनुप्रास अनुप्रास में आपने क्या पढ़ा, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति क्या हुआ, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास में होती है। वर्ण मतलब क, क क्या है, एक वर्ण, लेकिन यमक में कमल ये क्या है, शब्द है। तो शब्द में वर्ण में अंतर जरूर समझिए और दिमाग में रखिए परिभाषा करते समय भी कि हम वर्ण बोल रहे हैं अथवा शब्द बोल रहे हैं। अब आ जाइए श्रेष्ठ अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, श्रेष्ठ का तात्पर्य क्या है, चिपकना। तो इसमें क्या होता है, किसी भी काव्य में किसी भी पंक्ति में जब कोई शब्द केवल एक बार है और उससे अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे सूर्य है, ये क्या है, सूर्य को आप मान लीजिए शब्द है, ये एक शब्द है लेकिन इससे क्या होता है, अनेक किरणें निकलती हैं, अनेक किरणें निकलती हैं, अनेक रंगों को बताती हैं, अनेक विशेषताओं को बताती हैं। सूर्य तो एक ही है, इसी तरह शब्द केवल एक होता है। श्रेष्ठ अलंकार में किसी भी रचना में किसी भी काव्य पंक्तियों में जब कोई शब्द केवल एक बार आए और उससे अनेक अर्थ निकलते हो तो वहां पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुगुरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। नीचे की पंक्ति देखिए, सुगुरन को खोजत फिरत, सुबरन, सुगुरन शब्द है, को खोजत फिरत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी, कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें सुवर्ण शब्द आया है और इसका संबंध कवि से है, व्यभिचारी से है और चोर से है। ये तीन शब्द, तीन व्यक्तित्व है और इन तीनों व्यक्तित्व का इससे जुड़ाव है और ये जो है अलग अलग अर्थ से जुड़ा हुआ है इन तीनों व्यक्तित्व से। जैसे सुगुरन का तात्पर्य कवि के लिए है सुंदर वर्ण, सुगुरन को खोजत फिरत, सुंदर वर्ण को कवि खोजता है, सुंदर सुंदर शब्दों को खोजता है कि वो काव्य सर्जना कर सके। इसलिए कवि का मतलब सुगुरन से है सुंदर वर्ण, और व्यभिचारी, व्यभिचारी जो दुष्ट व्यक्ति है, जो चरित्र जिनका दुर्बल होता है वो व्यक्ति, उनका सुगुरन से तात्पर्य है सुंदर वर्ण, सुंदर रूप रंग, वो रूप सौंदर्य सुंदर देखते हैं। व्यभिचारी जो है क्या खोजता है, सुंदर रूप रंग।
चोर, चोर का मतलब सुगरन से मतलब है, चोर जो है सुगरन, सुगरन का तात्पर्य सोना, चोर की निगाह कहाँ होती है, सोने पर होती है। तो इस तरह कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण हो गया व्यभिचारी रूप रंग और चोर सोना, ये तीन अर्थ को सुगरन शब्द बता रहा है, तीन अर्थ इससे भरित हो रहे हैं, इसलिए ये कहा जाएगा कि सुगरन शब्द में शेष अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए श्लेष अलंकार का, जैसे रजमन पानी राखी है, ये उदाहरण बहुत कॉमन है, आप इससे परिचित होंगे। रजमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी रहने उभरे मोती मानुष चूर। अब आप कहेंगे कि परिभाषा में तो क्या है, परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि कोई शब्द केवल एक बार आए किसी भी रचना में और उससे अनेक अर्थ निकले, लेकिन अगर हम ये कहें कि पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, तो ये प्रश्न उठता है कि पानी शब्द तो कई बार आया था, कि रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन, तो इस तरह पानी शब्द तीन बार आया हुआ है, तो पानी भी शब्द में श्लेष अलंकार कैसे होगा? तो इसका उत्तर है कि पानी ऊपर के जो दो पानी आए हुए हैं उस पानी शब्द से कोई लेना देना श्लेष अलंकार का नहीं है, नीचे जो है पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, इस पानी शब्द में पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तो आपको बताना होगा कि जो नीचे की पंक्ति में पानी शब्द आया है इसी में केवल श्रेष्ठ अलंकार है, ऊपर जो पानी शब्द आया है उसमें श्रेष्ठ अलंकार नहीं है। ये पानी शब्द तीन अर्थ को बता रहा है, मोती मानुष चून, इनसे संबंधित अर्थ क्या निकल रहे हैं? मोती का पानी, मोती का पानी जब हट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मोती जो है आभाहीन हो जाती है, अपनी कांति खो बैठती है, इस तरह मोती बेकार हो जाती है, उसे लोग फेंक देते हैं। फिर है मानुष, मनुष्य, मनुष्य की कांति, पानी, मनुष्य का पानी से मतलब उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान, मनुष्य की जब इज्जत समाप्त हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, तो मनुष्य को लोग गिरी निगाह से देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर है चून, चूने का पानी जब समाप्त हो जाता है, सूख जाता है, तो चूना कड़ा हो जाता है और अनुपयोगी हो जाता है, उसे लोग फेंक देते हैं, कड़ा कड़ा हो जाता है। तो इस तरह मोती मानुष चून, इन तीनों के संदर्भ में ये पानी जो है तीन अर्थ को ध्वनित कर रहा है, मोती के लिए उसकी कांति, उसकी चमक, मनुष्य के लिए उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, और चून, चूने का पानी। तो इस तरह पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार फिर से सुन लीजिए, जब किसी शब्द में कोई भी शब्द किसी भी रचना केवल एक बार आए और उस शब्द से अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अब आ जाइए, श्लेष अलंकार हो गया, ये तीन अलंकार आपको इसमें पढ़ने हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। अब आ जाइए अर्थालंकार, अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा, उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार को जानने से पहले आप जानेंगे उपमा के अंगों को, उपमा को जानने से पहले उपमा के चार अंग क्या है मेरे इसको जानिए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द, और वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जब
किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। जैसे इस वस्तु की तुलना इस वस्तु से की जा रही है, ठीक। इसकी तुलना इससे की जा रही है तो ये जो है उपमेय हो जाएगा और ये उपमान। फिर उपमान उपमेय हो गया और उपमान हो गया। कहने का मतलब जिस वस्तु की तुलना जिससे की जाती है, यदि इसकी तुलना इससे की जा रही है तो ये उपमेय हो जाएगा और ये उपमान हो जाएगा। अब आ रही है साधारण धर्म। साधारण धर्म वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में समान होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान हो वही साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द जिन शब्दों के माध्यम से समानता का भाव प्रकट हो वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपमा के वाचक शब्द जो है सम तुल्य से समान इत्यादि। अब आइए पहले अब इसमें इसको परिभाषित करते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार को की परिभाषा कैसे करेंगे? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुण धर्मों के आधार पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य समान गुण धर्म के आधार पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से होती है तभी उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, जैसे हरि पद कोमल कमल से। यहां क्या है? हरि पद कोमल कमल से। हरि का पैर कैसा है? कमल के समान कोमल है। तो यहां किसकी तुलना किससे की जा रही है? हरि के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। तो यहां पर हरि का पैर या भगवान का पैर कृष्ण का पैर जिसका भी पैर उनका पैर जो है कैसा है? कमल के समान है। तो हरि पद जो है क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा और कमल से ये उपमान। कमल से की जा रही है उपमान हो गया। से जो है समानता व्यक्त कर रहा है इसलिए वाचक शब्द हो जाएगा। से जो है वाचक शब्द हो जाएगा। और कोमल क्या? ये कोमलता दोनों में है, हरि के पैरों में भी है और कमल में भी है, इसलिए ये कोमल शब्द जो है क्या है? यही साधारण धर्म हो जाएगा। कोमल शब्द साधारण धर्म हो जाएगा। एक और उदाहरण देंगे उपमा अलंकार का, एक और उदाहरण जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक है पीपल पार सरिस मन डोला। पीपल पार सरिस मन डोला। इस उदाहरण में देखिए पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, मन डोला मन हिलने लगा। तो मन हिल रहा है पीपल के पत्ते के समान, इसलिए मन जो है क्या हो जाएगा? उपमेय। मन डोल रहा है, मन हिल रहा है पीपल के पत्ते से, पत्ते के समान,
पीपल का पत्ता मन के समान नहीं मिल रहा है, इसलिए मन मिल रहा है इसके समान, तो मन जो है मैं हो जाएगा पीपल का पत्ता, पीपल का मतलब पीपल का पत्ता उपमान हो जाएगा। सरिस समानता व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये क्या है वाचक शब्द है, वाचक शब्द हो जाएगा। और डोला, डोला शब्द क्या है, दोनों डोल रहे हैं, ये गुण है, पीपल का पत्ता भी मिल रहा है और मन भी मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा डोलना शब्द जो है यही साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म। ठीक, पीपल पास सरिस मन डोला, क्योंकि मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, इसलिए मन जो है उपमेय हो जाएगा, पीपल का पत्ता उपमान हो जाएगा, साधारण धर्म जो है डोलना है, इसलिए साधारण धर्म ये डोलना हो गया। और सरिस शब्द जो है ये वाचक शब्द हो गया, क्योंकि ये समानता का भाव प्रकट कर रहा है। तो उपमा अलंकार में इसको इन चार अंगों को जानना सबसे जरूरी है, और इसकी परिभाषा एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं उपमा अलंकार में, कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की समान गुण धर्मों के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, और ये उदाहरण हमने दे दिया। अब आ जाइए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार है इसमें क्या है, अभी उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द इससे आप परिचित हो चुके हैं। तो रूपक अलंकार में क्या हुआ, जब उपमेय और उपमान में अभेद, उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप, उपमेय का जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, कहने का मतलब उपमा अलंकार में आपको उपमेय और उपमान साफ साफ दिखता है, ये उपमेय है ये उपमान है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, इसलिए यहाँ पर उपमेय और उपमान आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, इसको अर्थ के माध्यम से अलग समझना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट, ये जितने शब्द है ताराघट उषा नागरी, तो अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को, उषा नागरी उषा रूपी नायिका, उषा नागरी उषा रूपी नायिका डुबो रही है आकाश रूपी पनघट में, तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नायिका डुबो रही है, तो यहाँ पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, और जहां रूपी शब्द का प्रयोग करके हम अर्थ करते हैं वहां रूपक अलंकार पहचानना आसान हो जाता है। तो क्या करें, इसकी परिभाषा क्या हुई, जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब आ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार, अभी आपको पढ़ना है संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, ये तीन अलंकार आपको पढ़ने हैं, अगले वीडियो के माध्यम से आप इसे पढ़िए।